तो गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप ये नॉर्मल चीजें मार्केट से खरीदते हो वो बाहर दूसरी कंट्रियों में आखिर कितने रुपए की मिलती होगी? और जापान की एक ऐसी ट्रेन जो पटरी के ऊपर न चलकर पटरी के नीचे चलती है, लेकिन वो कैसे? और क्यों ये मुर्गियां अंडे देने के बाद अपने ही अंडों को खा जाती है? तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरा सिर्फ स्किप करने के बारे में तो सोचना भी मत और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक। नंबर 8, तो गाइस आप सभी लोगों ने कई सारे अलग अलग तरह के स्कूलों को देखा होगा, लेकिन एक बार जरा इस राजकुमारी रत्नावली गर्ल्स स्कूल को देखिए। ये स्कूल जैसल मेर में बना हुआ है, जो गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। स्कूल के अंदर जो टेम्परेचर 30 या 25 डिग्री से कम ही रहता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि स्कूल को एक खास तरह के डिजाइन से बनाया गया है। और इस स्कूल को ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो ये स्कूल है ये रेगिस्तान वाले एरिया में बना हुआ है, और आप सभी लोगों को ये तो पता ही है कि रेगिस्तान वाले एरिया में आखिर कितनी ज्यादा गर्मी होती है। नंबर 7, तो गाइस आप सभी लोग भी जूते पहनने के बाद ये शू लेस को तो बांधते ही हो, लेकिन क्या आपने कभी ये जूते के फीते के जैसे दिखने वाले कान में पहनने वाले झुमकों को देखा है? नहीं देखा? ये देखिए, ये कंपनी ने एक ऐसे झुमके बनाए हैं जो बिल्कुल ये जूते के फीते की तरह दिखाई देते हैं। वाह, यही नहीं अभी और सुनिए। और शॉकिंग बात तो ये है कि इन झुमकों का प्राइस पूरे 18,000 रुपए से भी जाता है। नंबर 6, तो गाइस आप सभी लोगों ने कई सारी अलग अलग तरह की ये बटरफ्लाई को तो देखा ही होगा, और आप सभी लोगों को भी इसके ये नॉर्मल साइज के बारे में तो पता ही है, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी बटरफ्लाई देखी है जो इस नॉर्मल बटरफ्लाई से 10 गुना बड़ी हो? नहीं देखा? ये देखिए गाइस, ये गोल्डन बर्ड विंग नाम की बटरफ्लाई एक ऐसी बटरफ्लाई है जो नॉर्मल बटरफ्लाई से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और आप ये फोटो देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये बटरफ्लाई आखिर कितनी बड़ी है। तो इस वीडियो में आज तक मजा आ रहा है तो प्लीज एक सेकंड निकाल कर वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से पहले हमें भी 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सपोर्ट जरूर से करना। नंबर 5, तो गाइस क्या आपको पता है कि जो ये मुर्गियां होती है ये अंडे देने के बाद खुद ही अपने अंडों को खा लेती है, लेकिन ऐसा क्यों? तो देखिए, मुर्गियां ऐसा तब करती है जब उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, और ये सिर्फ उन्हीं अंडों को खाती है जिसके अंदर कोई भी बच्चा नहीं होता है। नंबर 4, तो गाइस ये देखिए, नॉर्वे में जो ये एप्पल के बड़े बड़े गार्डन होते हैं, इनके जो फार्मर है वो एप्पल तोड़कर कुछ एप्पल को इस तरह से गार्डन के बाहर रख देते हैं ताकि जो भी गरीब लोग होते हैं और वो एप्पल खरीद नहीं सकते हैं वो यहाँ से फ्री में एप्पल ले जा सके। इसलिए जो फार्मर है वो कुछ एप्पल को इस तरह से गार्डन के बाहर रख देते हैं। ऐसे फार्मर के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। नंबर 3, तो गाइस आप सभी लोगों को ये बात जरूर से पता है कि जो नॉर्मल ट्रेन होती है वो पटरी के ऊपर चलती है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि जो जापान में ट्रेन चलती है वो पटरी के ऊपर न चलकर नीचे चलती है, तो क्या मानोगे? ना, लेकिन ये देखिए गाइस, जापान में कुछ ऐसा ही होता है। वहां पर जो ट्रेन चलती है उनकी जो पटरियां है वो नीचे ना होकर ट्रेन के ऊपर होती है, और जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये ट्रेन उल्टी होकर चल रही हो। नंबर 2, तो गाइस क्या आपको पता है कि एक ऐसी गन भी थी जो हर बुलेट फायर करने के बाद एक फोटो क्लिक करती थी? जी हाँ गाइस, ये देखिए 1938 में एक ऐसी गन बनी थी जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ होता था, तो गोली चलने के बाद खुद ब खुद ही एक फोटो क्लिक कर लेता था। नंबर 1, तो गाइस क्या आपको पता है कि जो ये नॉर्मल चीजें आप मार्केट से खरीदते हो ये बाहर दूसरी कंट्रियों में बिल्कुल अलग प्राइस में मिलती है? हाँ, आप जो ये 10 या 20 रुपए की चिप्स खरीदते हो तो आपको $1 यानी पूरे 80 रुपए से भी ज्यादा में पड़ेगी, और आप जो ये 50 या 100 रुपए में हेयर कट कराते हो ये हेयर कट अगर आप स्विट्जरलैंड में कराओगे तो आपको पूरे $62 यानी पूरे 5,000 रुपए से भी ज्यादा पे करने होंगे। तो गाइस ये थे कुछ आज के फैक्ट, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि हमें अगले मंथ तक 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने हैं। तो प्लीज गाइस सपोर्ट जरूर से करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।